हाँ जी जमशेद साहब, खैरियत से हैं? कौन बोल रहे? अरे अनिल साहब मैं बोल रहा जमशेद हूँ। भाई, मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया और व्हाट्सएप नंबर भी ब्लॉक कर दिया, क्या बात है? हेलो, फोन काट के भाग गया, मेरा नंबर भी आवाज नहीं ब्लॉक आ रही। कर दिया। हेलो, हाँ, अरे खूब आ रही है आवाज, कौन बोल रहे? कौन वही तुम्हारे अब्बू जान। तुमने बोल रहे? नंबर दोबारा बोलना। मेरा मेरा नंबर क्यों अरे ब्लॉक कर दोबारा दिया भाई? बोलो, कौन बोल रहे? कौन बोल रहे? दोबारा बोलना। वही वही तुम्हारे अब्बू जान। अच्छा, अगर तुम हमारे अब्बू जान नहीं हुए तो अल्लाह तुम्हें जहन्नम के निचले तबके में डाले। आमीन बोलो। अरे अब्बू जान है, अगर हुए तो आमीन तो बोलो। आमून नहीं अब्बू होता, जान आमीन कैसे होता कहे है। कि मेरा मेरा तुम लोग नंबर की जब तुम क्यों बेइज्जती ब्लॉक होती है कर ना, दिया? मेरा तुम नंबर क्यों लोगों की ब्लॉक जब कर दिया? शिकस्त होती है तो तुम लोग बदतमीजी करते हो, इसलिए ब्लॉक कर देता हूँ। शिकस्त तुम्हारी हुई है, तुम फोन मैंने काट क्या के बोला? भाग गए, तुम रिकॉर्डिंग नंबर क्यों डालो, ब्लॉक मैसेज किए? डाल दूंगा, आवाम फैसला कर मेरा देगी। मेरा नंबर क्यों ब्लॉक तुमने किए? मेरे फोन स्पैम नंबर, डिलीट व्हाट्सएप करके नंबर, डिलीट फोन मार दिया। लेकिन नंबर, मेरे व्हाट्सएप मामले की नंबर। बात हाँ यह है कि तो भाग तुम्हारे गया ना मेरी भाई, तुम्हारी शिकस्त हो गई है। क्या कब डिलीट मारा तुम्हारे? भागने से तुमने पहले या स्कैन बाद मार में? स्कैन भेज के डिलीट मार दिया। तो कब मारा? जब तू भाग तुमने गया क्या? फोन काट के, जभी मैं क्यों भागू? मैंने तुझको बोला मैं तो भागा हवाला ना, भेज कहाँ रहा हूँ, क्योंकि फोन पे बात भेज हो रही रहा है, हूँ? फोन हवाला काट भेज के रहा भाग हूँ। गया, कहता हवाला हाँ, भेज रहा हूँ, इसीलिए फोन मैंने काट के भाग तुमको गया। हवाला भेजने के लिए फोन फोन काट के लगाया। तो भागा, फोन तुमने क्या काट के करा? भाग कर डिलीट मार मेरा दिया। नंबर ब्लॉक कर डिलीट दिया, मारी तो डिलीट मार दिया। मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, फोन काट के भाग कर मेरा नंबर नंबर ब्लॉक तो कर सेव दिया, कर रखा व्हाट्सएप है, तुम नंबर तो ब्लॉक फोन कर पे डिलीट दिया, कर रहा ये है। बोलता हवाला भेजूंगा। डिलीट कर रहा है सामीन, व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर तो दिया, फोन पे व्हाट्सएप डिलीट नंबर ब्लॉक कर रहा करके है। बोलता हवाला भेजूंगा। व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक कर दिया तो हवाला कहाँ भेजेगा? इसे इसे हाँ, अनिल साहब, अनिल साहब, अनिल व्हाट्सएप भाई, नंबर जी भेज। इसको बोलो कि ये 2-2 मिनट की टर्म पे बात कर ले मुझसे हाँ बात। चलो ठीक है, जी जी माशाल्लाह जी ठीक है। माशाल्लाह हाँ ठीक, माशाल्लाह। माशाल्लाह ठीक है। ये हाँ जो तो स्कैन भेजा था मैंने, इससे वो मुठभेड़ करा स्कैन था। छोड़ो, तुम्हारे मुजद्दिद के हाँ कुफर पे सुनो, बात हो रही भाग थी मत ना भाग मत भाग मत, तुम्हारा। मुझे बोलने दे पहले। अनिल साहब, इसने मुझे स्कैन भेजा कि अशरफ अली थानवी ने आला हजरत के ऊपर कुफर का फतवा लगाया। ध्यान से सुनना, मैंने इससे पूछा कि वो कुफर का फतवा कहाँ है। इसने बोला, किसने मुझे स्कैन भेजा, उसने लिखा है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ए मालिक के हबीब, यानी मालिक और मोहित में नहीं, तेरा मेरा। इसने कहा, अशरफ अली थानवी ने उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाया है। मैंने कहा कि जैसे आला हजरत ने अशरफ अली थानवी पे कुफर का फतवा लगाया तो उसका नाम लिखा, कासिम नानोतवी पे लगाया तो उसका नाम लिखा, रशीद अहमद गंगोई पे लगाया तो उसका नाम लिखा, खलील अहमद अम्बेडी उसका नाम। मैं बोला, वो कौन सी किताब है जिसमें अशरफ अली थानवी ने ये कहा है कि आला हजरत इस शेर के मुताबिक काफिर हुए। अनिस भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ चलो भाई? अभी सही बोल रहा हूँ ना? दो मिनट बोलता अभी हूँ, अभी दूसरा, 2 मिनट हुए नहीं मेरे। इसने नहीं वो ना, हाँ हवाला बोल दो बोल दो। इसने वो हवाला नहीं दिखा, सुनो यार, इसने वो हवाला नहीं दिखाया, इसने स्कैन डिलीट मार दिया। मैंने इसको अशरफ अली थानवी की आखिरी किताब का हवाला दिया। मैंने कहा उसमें लिखता है कि अहमद रजा खान फाजले अरे हो बरेली की गया, हो दुनिया गया, की दो मिनट 25 में। हो गया, दो रुक मिनट जा, अभी हो गया, 1 मिनट भी 1 सेकंड भी काम नहीं होगा। दो मैं दो सुन रहा मिनट हूँ, की बात किया था, झूठ देखो बोलता झूठ है, बोल रहा है। झूठ बोलता है। अभी दो मिनट नहीं हुए, चुप चुप। दो, मैंने भागना इसको कहा, अशरफ अली थानवी की मत। आखिरी किताब का हवाला है, किसी ने अहमद रजा खान फाजली बरेलवी को अहमद रजा कह दिया तो अशरफ अली थानवी उस पर चिल्लाया, तुझे झूठ शर्म बोल नहीं रहे, आती? झूठ बोल रहे, तुझे चलो तू हवाला दे दो, आप हवाला दे इतने दो, बड़े हवाला दे आलिम दो, के आगे झूठ बोल इमाम रहे। नहीं लगा सकता अब अगर मैं मेरी झूठ बारी है, बोलूं? हो गया तेरा, दो देखो मिनट अनिल से भाई, ज्यादा सुनो हो गया, सुनो, दो मिनट से अगर ज्यादा मैं हो गया, झूठ बोलूं तो अल्लाह की दो कसम, मिनट से अगले ज्यादा दिन हो भी वही गया। मेरी बोलूंगा बात कि सुन, फुल देखो रिकॉर्डिंग लगा दो, अभी अगर भाग लगा दूं जाएगा, आवाम से सामईन भाग लेकिन जाएगा, उनका सुनेगा पता नहीं, है। भाग जाएगा, हाँ उनको बोलो, सुनेगा बोलो। नहीं। हाँ अब दो चलो मिनट मुझे चलो बोलने दो, चलो, तो हाँ बोलो बोलो। मुझे माशाल्लाह। वो हवाला दिखाओ अरे जिसमें अशरफ खामोश अली थानवी आला हजरत का रहो यार, जिक्र है। खामोश रहो, हाँ 2 मिनट हो गया, अब क्यों बोल रहा है? 2 मिनट हो गए, अपनी अब शर्म मैं में सच, सुन बोलना, सुन, तेरी अपनी रिकॉर्डिंग तरफ। के साथ दारुल उलूम देवबंद का फतवा लगाऊंगा कि आला हजरत के अरे ऊपर यार कुफर ये का बात फतवा कहाँ, नहीं है, मेरी अशरफ अली बात तो देवबंद ने सुना, लगाया अभी इसलिए। खामोश चल रहो, मैं तेरी 3 मिनट बात सुना, अभी तुम मेरी चल खामोश चल रहो, दो चल मिनट चल, सुन। सवाल सामईन, इससे हमारी पूछो। बात हो रही थी, मैंने कहा कि इसके आला हज़रत जो है, इनका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो ये वहां से भागा क्योंकि उसको मालूम था खिलाफ है, तो भागा कि हमारे देवबंदी के जो मोतबर अकाबिर है, जो मोतबर अकाबिर है, उनका कोई फतवा दे दो। तो मैंने इससे पूछा भाई मोतबर कौन कौन है, तो ये बोलता है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों को कहता है मोतबर है, इन लोगों की इबारत मुझे चाहिए कि इनके मुजद्दिद को अगर मुशरिक काफिर अनिल कहा है। तो मैंने हवाला भेजा, क्या भाई, खामोश रहो, खामोश अभी रहो। तो अनिल भाई, मैंने हवाला भेजा, हवाला देना, भरोसा देना तो मालिक इमदादुल की मेरा भी है, फतावा, इसमें मैंने क्या है? हवाला हाँ भेजा अच्छा आएगा। इमदादुल फतावा, जी हाँ जी हवाला जी
जिल्द ससुम, जिल्द ससुम और सफा नंबर 77, इसमें इस शेर के बारे में। खामोश रहो, अरे खामोश रहो, बोलने देना, खामोश रहो, बोलने दे, बोलने दे। देखो देखो, इसकी शिकस्त है इसलिए बोलने नहीं दे रहा है। इसको ये मानता है बेचारा, हाँ ये मानता है, ये मानता है कि इसका मुजद्दिद कुफ्र किया है, ये मानता है, दिफा नहीं कर सका। मुझे मुझे बोलने दे, हवाला देने दे, मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, खामोश रहे। तो देखो ऐसे ही बोल रहा है तो इसका मतलब तो शिकस्त खा रहा है। खामोश रहो, खामोश रहो। तो इसने कहा कि मोतबर आलिम से हवाला भेजो, हवाला भेजो। तो मैंने जो है इसने, मैंने कहा कि मोतबर कौन है, ये कह रहा है अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मोतबर है, रशीद अहमद गंगोही मोतबर है, इनसे हवाला चाहिए जो तुम्हारे चार अकाबिर है। मैंने कहा माशाल्लाह इनको तुम मोतबर मान लिया है, अब मैं हवाला भेज रहा हूँ। इमदादुल फतावा जिल्द नंबर ससुम और बाब किताबुल अकायद वल कलाम हजरत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की है। इसके सफा नंबर 77 में, इसके सफा नंबर 77 में, अरे बोलने देना यार, बोलने, उन्हीं की किताब है, उन्हीं की किताब है, उनका उनका ही फतावा। अरे खामोश रहो। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ये देखो यार रोने लगा, ये सामने देखो बोलने नहीं दे रहा, रो रहा है, ठीक है। अरे सुन खामोश रहे, हाँ अपनी टर्न में बोलना ना, मुझे बोलने दे। अगर उनकी किताब नहीं है तो तू साबित करना उनकी नहीं है, तो साबित करना उनकी नहीं है, हवाला भेज, तो साबित करना। मैं हवाला कहता, हवाला भेज, हाँ इबारत पढ़ने दे, इबारत पढ़ने दे। तो ये हदायत के बख्शी से इनका मुजद्दिद की ये इबारत है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, क्योंकि इन महबूब का मोहित में नहीं है तेरा मेरा। इस हदायत बख्शीश की किताब का ये इबारत नकल करके किसी ने फतवा मांगा कि ये इबारत कैसी है, ये इबारत कैसी है। तो कह, तो ये लिखा हुआ है कि ये शरीर सिर्फ है, और इस सीरत में इस शेर का बनाने वाला मुशरिक और खारिज है, इस्लाम समझे जाने के लायक है। ये हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, दूसरी किताब मैं देता हूँ, ठीक है। ये इस किताब में हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसके मुजद्दिद को मुशरिक और इस्लाम से खारिज कहा है, ठीक है। अब और ये कह रहा है कि इसमें इसके मुजद्दिद का नाम नहीं है, ठीक है, ये इसके इसका रहा है, इसके मुजद्दिद का नाम नहीं है। खामोश रहो, खामोश रहो, अरे खामोश रहे, खामोश रहे। हाँ अशरफ अली थानवी, अशरफ अली थानवी, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के ये फतावा इमदादुल फतावा है, ठीक है। जो हाजी कौन उसका, अरे क्या मुसन्निफ, क्या मुसन्निफ तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह है ना, मुसन्निफ हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, झूठ बोल। अच्छा फतावा रजविया का कौन मुसन्निफ है, फतावा रजविया का मुसन्निफ कौन है, झूठ बोल रहा है तू, फता झूठ क्या बोल रहा है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह के फतावा है, दूसरा ये झूठ बोला। नहीं नहीं झूठ, वो मैं हवाला मैं भेज दिया, हवाला भेज दिया, हाँ हवाला भेज दिया, भेजा भेजा। अब भागना नहीं फोन काट के, हाँ हाँ फोन काट के भागना नहीं, फोन काट के भागना नहीं, हवाला नहीं है, अरे हवाला दे कब, तुम मुझे ब्लॉक ब्लॉक करके रखा है तो कहाँ से आएगा, मैंने कोई ब्लॉक नहीं किया। अरे लाल काजहीन कहता है मैं ब्लॉक नहीं किया, इतना बड़ा मरदूद है, इतना बड़ा मरदूद है, ब्लॉक करके रखा है, हाँ ब्लॉक करके रखा है, हाँ चलो अब मैं भेज दिया हूँ, हवाला भेज दिया हूँ, नहीं मुझे बोलने कहा दिया, मुझे हवाला भेज दिया हूँ, ब्लॉक करके रखा है, ब्लॉक करके रखा, ब्लॉक खोल, 2 मिनट हुए, नहीं नहीं हुआ अभी, तुम मुझे बोलने नहीं दिया, डिस्टर्ब किया, नहीं नहीं बोलने नहीं दिया, डिस्टर्ब किया, मुझे बोलने नहीं दिया, नहीं नहीं बोलने नहीं दिया, डिस्टर्ब किया है, मुझे बोलने नहीं दिया, 2 मिनट हुए या नहीं, मुझे बोलने नहीं दिया यार अनिल भाई, तुम बीच में दलाल बने हुए, अरे रुकना मुझे बोलने देना, मेरे अपने टर्म पे बोल रहा, अपने टर्म पे बोल रहा, और ये अपने टर्म पे बोल रहा, अपने टर्म पे बोल रहा, अपने टर्म पे बोलना भाई, अपने टर्म पे बोलना। और ये देखो एक किताब है, नहीं नहीं मैंने भेज दिया तो ब्लॉक खोल, मेरा ब्लॉक किया है, मुझे ब्लॉक किया है। हदिया बरेलियत पर एक नजर, हदिया बरेलियत पर एक नजर, अबू अब्दुल्ला नक्शबंदी बरेलवी ये लिखता है कि देवबंदियों के अशरफ अली थानवी, देवबंदी थानवी
जो है अनीस भाई वो मैं कह कहते रहा हूँ, हैं दुनिया कि देखो अगर किसी माने बरेली हकीकत में में आगे एक चल भी रही है, हकीकी दुनिया देखो मुसलमान किसी होता माने हकीकत तो तमाम की में आगे तमाम चल रही सारी बरेलियत है। नहीं चलो मुसलमान चलिए होती। चले चले यानी चलो बरेली में, चलिए चलिए बरेलवी में सब देखो काफिर है, एक भी मुसलमान सुन नहीं लो। है, हजरत थानवी फरमाते हैं। ओ दलाल खामोश हो जाओ खामोश। अब हेलो तो दलाल इसको समझ खामोशी नहीं आ से रहा सुनना कुछ। मेरी, एक मिनट, 1 मिनट बाद मेरी खामोशी से सुन, कुछ दलाल चिल्ला चिल्ला के मत कर। तू अनिल चिल्ला रहा है भाई मेरे टाइम पे, मेरे टाइम पे मत अनिल चिल्ला, दलाल ये मेरे तुम्हारे टाइम भाई पे मत बात है ना, चिल्ला। तुम्हारे लैंप पे अनिल कटूंगा। दलाल या इसको चुप कराएगा कि आ, नहीं कराएगा, इसका मतलब यह है कि बरेलवी जो इसको तुझे चुप लेके आते कराएगा हैं कि वो नहीं दलाली कराएगा। करते हैं। वो दलाली रहते हैं। अरे ना दुनिया देवन हाँ, इतना मुझे हमारा अली बच्चा हो अरे गया तो है, मुझे हमने बोलने दुनिया देवन दे, किया तो उसको पूरा मुझे उतारेंगे। बोलने अच्छा दे, तुमने मुझे 1 मिनट, दारुल उलूम देवन में फोन नहीं किया मुझे है, बोलने मुझे दे, अशरफ अली थानवी मुझे ने फोन बोलने किया दे, तुम नहीं मुझे लगाए, बोलने तुम दे, इमरान फाजले अरे बरेली मुझे बोलने देना तो तुम मरदूद, अपने ही अकाबिद के मेरे मुंह कर्म पे पे बोल रहे बोलने हो। दे। ये देखो बरेलवियत खामोश हो की जा, किताब 2 मिनट है हो गए तेरे, मुहासबा 4 मिनट हो गए देवबंदियत, तेरे। ये मोहम्मद हसन अली ए रजवी, ये इसको चुप कहता कराएगा है दलाल, कि अनिल वहाबियों का दलाल बड़ा इसको कराओ, यकीदा यह है कि जो अनिल उनके दलाल इसको मजहब चुप करना कराओ, हो वो काफिर और अनिल मुशरिक है, दलाल इसको चुप कराओ, ये काफिर ये मुशरिक अनिल है, ये दलाल खुद इसको चुप मानते कराओ, हैं, ये बरेलवी खुद मानते हैं कि अनिल दलाल इसको चुप हाँ कराओ, उलमाए देवबंद काफिर, उलमाए देवबंद अनिल फरमाते दलाल हैं कि बरेलवी काफिर और मुशरिक है, ये देखिए आपके मलफूजात पास हकीम मोहम्मद उल उम्मत कहते हैं ना दुनिया देवन में कहीं खामोश आपने है। कोई बच्चा पैदा नहीं किया, वो हाँ बिल्कुल ये, सही कहा। अरे अनिल खामोश दुनिया है, तेरी अनिल तेरी दुनिया को जुदियत दलाल में, लेके आया है ना, इसका तेरी रहनुमा जुदियत में बनके कोई हलाली नहीं है इंटरनेट जो पे सुन कहीं सके, रोने देगा। अरे तुम्हारी चिल्लाएगा नहीं जुदियत कोई, में उसको जो पहले हलाली नहीं है, जो फेमस मेरी बात चिल्लाएगा कि को उससे एक बहुत मिनट ना सुन सके, नीतूत वाली एक अशरफ मिनट अली सुन, थानवी मैं ने एक उसको मिनट पहले से सुन, सिखाया, अशरफ अली थानवी ने एक आज एक इतना मिनट बड़ा सुन अशरफ बेटा, अली का फतवा लगाया हो, जैसे बेटा अशरफ मुझे अली थानवी ने अकाबिद उसको पहले बोलने से तो पूरा दे, फतवा लगाया हो, मुझे लेकिन बोलने मैं तो जिंदगी दे, नहीं दिखा सकता, मर जाएंगे ये लोग, मैं दिखा दिया, मर्दों भेज की कब्र दिया, मिल जाएंगे अरे नेता साहब। ब्लॉक रख, मुझे ब्लॉक करके रखा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक किया, मेरा फोन नंबर ब्लॉक किया, इतना डरा हुआ है बेचारा जमशेद रजा कादरी कि ब्लॉक करके रखा है दोनों। अभी मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, इसको ब्लॉक खोल ही नहीं रहा, ब्लॉक खोल तब तो जाएगा चला भाग भाग गया उधर। गया। अरे इतना बड़ा झूठा मर्दूद है, ठीक है, ये कह रहा कि हमारे अकाबिर से साबित कर, तो हमने साबित कर दिया, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब से उनको तो साबित लिखा किया। हो ना अल मुहन्नद अल मुफन्नद का हवाला देते ना आप उनको, हाँ उसमें है अरे लिखा हुआ इस, अरे हजरत थानवी के जो खुद के फतावा है भाई, उनके हाथ का फतावा है, वो मैं भेजा हूँ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह के इमदादुल फतावा, जो उनका खुद का फतावा है उस, हाँ फिर उसमें भी है, तो सुन कहाँ रहा है बारी बारी, एक चीज वो सुन कहाँ रहा है बात को, है दलाल मेरा मुहासबा फोन क्यों काट देवबंदियत दिया, बाहर। और दलाल अरे मेरा फोन क्यों काट दिया, अरे कहाँ, मेरा तो लाल कोट के वाला भागा, फोन क्यों काट दिया ये तो बताओ, काट के अनिल दलाल भागा मेरा बे, फोन भया काट के तुम मरदूद, जीत जाओ, तो जीत फोन जाओ, के काट जीत के जाओ, भागा, जीत जाओ, जीत जाओ, दो घबरा फोन के तुम काट के मरदूद भागा। 2 मिनट के लिए अभी भागा, खामोश रहो, तुमने आते हो मुझे तुमने बोलने आते नहीं हो 2 मिनट दिया। की टर्न बनाई थी और हाँ तो तुमने मुझे बोला क्यों था नहीं मेरे बोलने से, देना मेरे तुमने टाइम 2 मिनट पे, की टर्न बनाई थी ना, हाँ तो तो मेरे तेरा 2 मिनट लैंडलाइन मुझे का देने नंबर दे, बोल बोल रहे हो, मेरा दो बोलने मिनट का दे नंबर ना, बोलने का मेरा नंबर दो दे, मिनट, मेरा 2 मिनट अभी देवबंदी नहीं कश्मीर हुआ, के बच्चे, मैंने नहीं लाल तो किले में खामोश मोहम्मद रह के अली की सुनेगा टर्न मेरा बनाई दो थी, मिनट तुमने लड़ाई की वहां ये तो गालियां लड़ाई देगा, की थी, अपने मुजद्दिद को बदनाम करेगा, मगर और मेरा ये 2 मिनट नहीं काम सुनेगा, नहीं की औकात है मुझे इन लोगों सुनना ने, 2 मिनट के फोन को काट दिया ताकि ये मुझे लोग अपने नहीं, लैंडलाइन झूठ के बिल बोलता का तू भागा जवाब फोन दे, काट भाग के, गया, ये इनकी तू औकात है, खुद इन लोगों भागा, ने तू खुद लैंडलाइन भागा, का ये जवाब बहुत दिया है, मरदूद नहीं है, तो मेरा मैं फोन जा रहा हूँ नंबर अपने ब्लॉक एजेंट करके आते रखा हैं है, तुम्हें लेके, और फिर मेरा कहते हो कि व्हाट्सएप दलाल ब्लॉक को कर तुमने गाली दिया, दी जमशेद रजा क्यों दी कादरी, है, मेरा व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिया, मेरा नंबर भी ब्लॉक और कर दिया, फिर अभी फोन काट के कहते दो हो बार भागा, फोन नहीं काट तो के मैं मेरे जा रहा नंबर हूँ से दो अपने बार एजेंट आते भागा, हैं, भाग जा गया रहा हूँ फिर अपने पास, भाग गया, भाग गया। हाँ फिर हाँ फिर अरे भाग गया बहुत बड़ा ये झूठा, एक नंबर का मरदूद झूठा है। वीडियो हाँ एक नंबर का झूठ झूठा मरदूद है। बनाएगा, इस तरह कहेगा ये कोड हाँ काट काट के भाग गया, और फिर आगे हाँ बनाएगा कि ये बनाने दो, बच्चा ऐसा उसमें है क्या, चलेगा उसको वो मक्कार है, उसको बनाने दो, अल्लाह की लानत, अल्लाह ताला चलेगा उसको मौके पे देंगे, अपने मुजद्दिद का दिफा नहीं कर सकता ये। हाँ इसको मालूम है, इसका मुजद्दिद जो है कुरान हदीस के खिलाफ अकीदा है, जब मैंने कहा इसका कुरान हदीस के खिलाफ अकीदा दिफा करो तेरे मुजद्दिद का, तो वहां से भाग गया ये बेचारा, वहां पे बात ही नहीं कर रहा है, कहता हमारे अकाबिर से फतवा दिखाओ, हमने फतवा भी दिखाया, हम फतवा दिखा रहे हैं तो बीच में ये बोलने भी नहीं दे रहा है। हाँ बोलने दे रहा था हाँ बात बोलने को, तो दो ना, हम तुम्हारी बात सुने हैं, तुम हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे, खुद ही अरे कर्म हमने करके तो भागा, सुनी है चिल्लिन तुम्हारी बात, चिल्लाम कर लिया, कहता है कि वो उसमें हमारे मुजद्दिद का नाम दिखाओ, यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो नाम लेके फतवा कुफर लगाए वही फतवा है, नहीं तो फतवा नहीं होगा है, जबकि इसके इसके मुजद्दिद जो है फतावा रजविया में जिन नंबर 16 सफा नंबर 602 में
किसी का फतवा किसी ने नकल किया कि ऐसा बोला फला फला, तो कहता है कि ये बहरहाल ये कलमा कुफ्र है, बल्कि सरी कुफ्र है, यहाँ नाम नहीं लिया, तो इसका मतलब ये कुफ्र माने नहीं जाएगा। आप सोचो जरा, जो नाम ना ले अब कलमा कुफ्र कह दे और उसको तकफीर करे कि भाई ये कलमा कुफ्र है बताए, तो वो क्या नाम ना ले तो माने नहीं जाएगा। इसके मुजद्दिद ने नाम नहीं लिया फिर भी कहता है ये कलमा कुफ्र शरी है, है? ऐसा बोलने वाला कलमा कुफ्र का है। अब सोचे इतना बड़ा मक्कार है हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके मुजद्दिद के इबारत पर कुफ्र का फतवा लगाया कि ऐसा कहने वाला क्या है, मुशरिक और इस्लाम से खारिज कहा है। सोचे कितनी बड़ी बात है। तो हमारे अकाबिर जो अगर इनके मुजद्दिद की सारी किताब पढ़ लेते ना जी, तो जगह जगह कुफ्र का फतवा लगाते। एक ही इबारत उनके नजर से किसी ने देखा बताया कि भाई ये ऐसा कहने वाला फतवा हदाय के बख्शिश की इबारत दखल करके ऐसा कहने वाला क्या है, तो कहते हैं ये तो सरी शिर्क है, इस सूरत में उस शेर का बनाने वाला मुशरिक और खारिज है इस्लाम समझे जाने के काबिल है, यानी वो इस्लाम से खारिज समझते हैं और मुशरिक समझते हैं। सोचो, अब बेशुमार दारुल देवबंद का भी फतवा दिखा रहा हूँ, वो पढ़ने नहीं दे रहा है, वो जानता है ना, अब अगर पढ़ने देगा दो मिनट बीच में बोलने दिया और बीच में खलत, हाँ बीच में खलत होकर निश्चित शुरू से ही चिल्लाने लगा, एक मिनट भी नहीं बोलने दिया, दो मिनट होने, अब खुद ही शरारत तय कर रहा है कि दो दो मिनट की बात होगी, अब खुद ही नहीं बोलने दे रहा। अरे बहुत बड़ा मक्कार है, कैसा है ये अपने लोगों में ना, ये झूठ मूठ खूब बोल के खूब पैसे वसूल करता है और जन्मे लेता है झूठ बोलकर ना, उनको बेवकूफ बनाकर अपने मुरीदों को। हाँ ये संगीत जो